जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण केवल राज्य वंश का परिवर्तन मात्र नहीं था, यह एक वास्तविक क्रांति थी। इससे पूर्व दास वंश के शासनकाल में भी दो बार परिवर्तन हुए थे। प्रथम परिवर्तन कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद हुआ था, जब दिल्ली के तुर्क अधिकारियों और उलेमाओं ने इल्तुतमिश को निर्वाचित किया था। यह शासक वंश का परिवर्तन था। इसी प्रकार सन 1665 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात बलबन ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, यह भी एक शासक वंश का परिवर्तन था। जलालुद्दीन के राज्यारोहण से शासक वंश के परिवर्तन के साथ अन्य दूरगामी परिवर्तन भी हुए। यही कारण है कि खिलजी ने सत्ता परिवर्तन को क्रांति कहा है, क्योंकि इससे सल्तनत के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। राज्यारोहण के समय जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष का था। वह योग्य सैनिक था और बलबन के शासनकाल में वह उत्तर पश्चिम सीमा का मुख्य सेनापति था। मंगोलों के साथ अनेकों युद्धों में उसने शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया था। जब निजामुद्दीन की मृत्यु के बाद सुल्तान कैकुबाद ने प्रशासन का पुनर्गठन किया था, तो उसने जलालुद्दीन को समाना से बुलाकर आरिजे मुमालिक नियुक्त किया था। उसे बरन की सूबेदारी तथा शाहिस्ता खान की उपाधि भी प्रदान की थी। उसकी ख्याति एक योग्य सैनिक के रूप में थी और शक्तिशाली खिलजी दल का वह नेता था, किंतु कैकुबाद पुनः विलासिता में डूब गया, जिसके फलस्वरूप तुर्क अमीरों का षड्यंत्र हुआ, जिसमें जलालुद्दीन सफल हुआ। जलालुद्दीन ने दिल्ली आकर बालक की उमरस को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया, लेकिन वह व्यवहारिक व्यवस्था नहीं थी। अतः 3 माह पश्चात कैकुबाद और क्यूमरस दोनों का वध कर दिया गया और जलालुद्दीन उसी किलो खरी महल में, जिसे कैकुबाद ने दिल्ली से बाहर बनवाया था, सिंहासन पर बैठा। जलालुद्दीन ने इस बात की सावधानी रखी कि महत्वपूर्ण पदों पर विश्वस्त अधिकारियों को रखा जाए। इन पदों पर उसने अपने परिवार के लोगों को नियुक्त किया। उसने अपने सबसे बड़े बेटे इख्तियारुद्दीन को राजधानी के समीप के क्षेत्रों का शासक नियुक्त किया और उसे खान खाना की उपाधि प्रदान की। उसने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। उसने अपने छोटे भाई को आरिजे मुमालिक नियुक्त किया और उसने अपने एक अन्य संबंधी अहमद चप को अमीरे हाजिब का पद नियुक्त किया। तो दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कुछ इस प्रकार से हुआ था। आपको इस विषय में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।